Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 16th November 2021. I'm sure children, you all are keeping good health, you all are maintaining good health, taking very good care of yourselves, following all the COVID protocols and following all the safety precautions. Do take very good care of yourselves, stay happy, stay healthy and stay safe children. We are continuing with chapter number 10, that is measurement. So here I am before you with one more video from the same chapter, and today we are going to discuss about heaviest and lightest. ठीक है, measurement में हमने length का measurement पढ़ा, measurement of length हमने पढ़ा, but that is not the exact measurement of length. हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पढ़ा, हमने एस्टिमेटिंग लेंथ पढ़ा. एस्टिमेटिंग मतलब एक जो हम गेस वर्क करते हैं, एक अंदाज लगाते हैं. ठीक है कि अच्छा ये पेन है, ये मार्कर है, तो कितना लंबा ये हो सकता है, तो इसको वी कैन मेजर दिस मार्कर यूजिंग समथिंग स्मॉलर. वी कैन मेजर एनी लॉन्गर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, सो दैट इज एस्टिमेटिंग. उसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग मतलब एक अंदाज लगाना. एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. नॉन स्टैंडर्ड, अगेन नॉन स्टैंडर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं देते हैं. अभी अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो इसकी हमको एग्जैक्ट लेंथ कैसे पता चलेगी, इफ आई मेजर दिस यूजिंग अ मेजरिंग टेप और अ स्केल, तब हमें पता चलेगा कि कितने सेंटीमीटर लंबा है या कितने इंच लंबा है. बट वी कैन मेजर दिस द लेंथ ऑफ दिस मार्कर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो हमने पढ़ा, जैसे इसको हम फिंगर से मेजर कर सकते हैं इस मार्कर को. सो जो हमने फिंगर पढ़ा, हैंड स्पैन पढ़ा, फुट पढ़ा, क्यूबिट पढ़ा, दीज आर ऑल नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. नॉन स्टैंडर्ड बिकॉज दे डू नॉट गिव अस एन एक्यूरेट आंसर. ठीक है, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड. ये हमने पढ़ा. Then we talked about the concept of weight. ठीक है, weight हमने पढ़ा, heavier and lighter. How do we compare weight of two objects? दो चीज़ों का हम weight कैसे measure करते हैं, कैसे उसको compare करते हैं. Not measure करना, यहाँ पर comparison है. Heavier and lighter, that is comparison of weight of two objects. दो objects की हम जो चीज़ों का जो हम जैसे weight जो कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो हैवियर ऑब्वियसली इफ जैसे बैलेंस होता है, जो वेजिटेबल वेंडर्स या फ्रूट वेंडर्स या किसी भी हम राशन शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, जो भी चीज़ हम केजी में या वेट करके लेते हैं, तो उसको वे करके देते हैं, तो एक साइड में जो चीज़ रखते हैं और दूसरे साइड में उसके इक्विवेलेंट वेट रखते हैं. अभी जो सामान रखा वो तो एग्जैक्ट उसका हमको मेजरमेंट नहीं पता होता है, तो जिस साइड में हेवी होता है वो साइड नीचे चला जाता है, तो वी कैन से दैट विच साइड इज हेवियर. हेवियर लाइटर हमने पढ़ा. नॉट टुडे वी विल टॉक अबाउट हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट मतलब आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या चीज़ सबसे भारी है एंड क्या सबसे हल्की है. हैवीएस्ट मीन्स ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे भारी क्या है, और लाइटेस्ट मीन्स सबसे हल्का क्या है. ठीक है, तो अभी हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट हम सेम तरह की चीज़ों में भी बोल सकते हैं कि क्या हैवीएस्ट है क्या लाइटेस्ट है, एंड वी कैन फाइंड आउट हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 128 चिल्ड्रेन इन योर मैथ्स बुक. पेज नंबर इज 128, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. ठीक है, नाउ व्हाट ऑल डू यू सी हियर, वी कैन सी अ बकेट ऑफ पेंट. यहाँ पे हमको एक तो दिख रही है एक पेंट की जो बकेट होती है ना, जिसे पेंट जब हम घर में कराते हैं तो 5 liters, 10 liters, 2 liters की बकेट आती है. ठीक है, एक हमें तो बकेट दिख रही है. देन वी कैन सी अ ग्लास, एक हमें ग्लास दिख रहा है. देन वी कैन सी अ काइट, हमें एक
काइट दिख रही है, ठीक है, एंड वी कैन सी अ ग्लास ऑफ जूस. ठीक है, ये हमको एक ग्लास दिख रहा है, जैसे जूस स्ट्रॉ होती है उसको ऐसे लेमन स्लाइस लगा करके देते हैं. नाउ आउट ऑफ दीज फोर ऑब्जेक्ट्स विच वन डू यू थिंक वुड बी द हेवीएस्ट. ये पेंट बकेट है, ग्लास है, काइट है एंड दिस इज जूस. ठीक है, जूस का ग्लास है. तो आउट ऑफ ऑल फोर थिंग्स विच वन डू यू थिंक वुड बी द हेवीएस्ट. ऑब्वियसली ये पेंट वाली जो बकेट है ये हेवीएस्ट होगी. ठीक है, इवन इफ देर इज नो पेंट इन इट, अगर पेंट नहीं भी है तभी भी आउट ऑफ दीज फोर ये पेंट बकेट जो है वो क्या होगी, हेवीएस्ट होगी, सबसे भारी होगी. एच ई ए वी आई ई एस टी, हेवीएस्ट. ठीक है, ये पेंट बकेट जो हैवीएस्ट होगी. एंड लाइटेस्ट क्या होगी, कौन सी इसमें सब्जेक्ट सबसे हल्की होगी, ऑब्वियसली दिस काइट, काइट सबसे हल्की होगी क्योंकि काइट क्या है, बिल्कुल पतला वाला जो पेपर होता है बहुत ही लाइट, क्योंकि अगर काइट हैवी होगी तो हवा में उड़ेगी कैसे, तो इसमें सबसे लाइट क्या है, काइट. काइट इज द लाइटेस्ट, हैवीएस्ट, एंड एल आई जी एच टी ई एस टी, लाइटेस्ट. ठीक है, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. ओके, ठीक है. सो हियर अगेन आप इसको ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो, यू डोंट हैव टू मेजर द थिंग्स, चीज़ों को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है हमको. यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम जब तक मेजर नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा. वी कैन टेल जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, हम ऑब्जर्वेशन के साथ देख करके बता सकते हैं कि क्या सबसे भारी और क्या सबसे हल्का है. ओके, सो नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज. सो आई होप चिल्ड्रन दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, एंड द एम बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्सेप्ट का है कि यू शुड नो हाउ डू वी अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर वेट. ठीक है, वेदर लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट और हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट. ठीक है, हम चीज़ों को उनके वेट के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको अकॉर्डिंग टू वेट अरेंज करना होगा तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, पेंट बकेट आएगी, है ना, सबसे पहले पेंट बकेट आएगी. देन व्हाट डू यू थिंक उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हो सकता है ये जूस वाला ग्लास आएगा बिकॉज देयर इज जूस इन इट, तो इसके बाद जूस का ग्लास आएगा. देन नेक्स्ट आएगा ग्लास एंड लास्ट वुड बी द काइट, है ना. तो अगर हम इफ वी अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ देयर वेट, फाइन. नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज, आई होप दिस इज क्लियर. हैवीएस्ट मतलब ऑब्जेक्ट, जितनी भी उस ग्रुप में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे भारी क्या है और सबसे हल्का क्या है. ओके, वी कैन अरेंज थिंग्स फ्रॉम हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट, वी कैन अरेंज थिंग्स फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट. हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब सबसे हल्के से सबसे भारी या सबसे भारी से सबसे हल्का. नाउ एक्सरसाइजेस, टेक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट. टी आई सी के, टेक द एच ई ए वी आई ई एस टी, हैवीएस्ट ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट एंड सी आर ओ डबल एस, क्रॉस द एल आई जी एच टी ई एस टी, क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, टेक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, अभी इसमें फर्स्ट में क्या है, अगेन चिल्ड्रन मैं बना तो नहीं पाऊंगी ड्राइंग, तो मैं यू कैन सी फोर व्हीकल्स. फर्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी फोर व्हीकल्स. ठीक है, तो व्हीकल्स की ड्राइंग तो मैं नहीं बना पा रही हूँ, आई विल जस्ट राइट देयर नेम. सबसे पहले क्या है, बस है, देन बाइसाइकिल, देन ट्रेन एंड देन स्कूटर. ठीक है, नाउ आउट ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विच वन डू यू थिंक वुड बी द हैवीएस्ट एंड विच वन वुड बी द लाइटेस्ट. मतलब ये चारों व्हीकल में सबसे भारी कौन सी होगी और सबसे हल्की कौन सी होगी,
इसके लिए अगेन हमें वेट तो करना नहीं है, उसको कोई हमको वजन तो नहीं करना है, हम व्हीकल्स को देख के बता सकते हैं कि हैवीएस्ट क्या होगा, ट्रेन वुड बी द हैवीएस्ट, है ना। तो हैवीएस्ट में हमें क्या करना है, टिक द हैवीएस्ट। तो ट्रेन को हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ टिक। ट्रेन पे हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, बिकॉज ट्रेन इज द हैवीएस्ट। और लाइटेस्ट इसमें क्या होगा, सबसे हल्की कौन सी व्हीकल होगी, द लाइटेस्ट वुड बी बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल को हम क्रॉस करेंगे, बाईसाइकिल सबसे लाइट होगी ना, सबसे हल्की होगी बाईसाइकिल, तो हम बाईसाइकिल को क्रॉस करेंगे। देन आइसक्रीम कोन इज देयर, आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन पे ऐसे चिक्स ऐसे बने रहते हैं ना, देन नेक्स्ट इज बॉल, देन बॉल के बाद क्या है, टेबल, ओवल शेप का टेबल है, जैसी टेबल बनी है, मैं एग्जैक्ट तो वैसी नहीं बना सकती, टेबल है, एंड देन अ बुक, ठीक। अभी आउट ऑफ दीज फोर विच वन डू यू थिंक वुड बी द हैवीएस्ट, एंड दिस टेबल चिल्ड्रन यू कैन सी दैट इट इज अ वुडन टेबल, ब्राउन ब्राउन कलर की टेबल दिख रही है, देख करके वी कैन मेक आउट कि ये क्या है, लकड़ी की टेबल है, वुड, लकड़ी की टेबल, ठीक है। तो लकड़ी की चीज़ें एज सच हैवी होती हैं, लकड़ी की टेबल, लकड़ी की चेयर एज कम्पेयर टू जैसे आजकल प्लास्टिक की जो मिलती है उससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वुडन टेबल, वुडन चेयर इज हैवियर देन प्लास्टिक वंस, ओके। तो ये देख करके हमें समझ में आ रहा है कि दिस टेबल इज अ वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल है, ठीक है। तो हैवीएस्ट क्या होगा, दिस वुडन टेबल, टेबल वुड बी द हैवीएस्ट। तो हैवीएस्ट में हमें क्या करना है, टिक करना है, सो वी विल पुट अ टिक ऑन द हैवीएस्ट। और लाइटेस्ट में हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, नाउ विच वन वुड बी द लाइटेस्ट, बुक तो होगी नहीं, बॉल इज देयर एंड आइसक्रीम इज देयर, सो आई थिंक बॉल भी आप देख करके यू कैन मेक आउट कि जो रबर वाली कलरफुल बॉल होती है जिसके अंदर हम एयर भरते हैं तो वो इन्फ्लेट हो जाती है, वो वाली बॉल लग रही है, तो बॉल लाइटेस्ट होगी, ठीक है। आउट ऑफ दीज फोर बॉल वुड बी द लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट पे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सो आई होप एवरी वन इज डूइंग दिस, इसमें आपको सिर्फ टिक एंड क्रॉस करना है। नाउ द थर्ड वन इज चेयर है, चेयर कैसे बनेगी, ये एक चेयर है, देन कटिंग प्लायर, कटिंग प्लायर जानती हो क्या होता है, ठीक है, कटिंग प्लायर है, देन बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप है, एंड एक कप है, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज फोर इसमें से क्या हैवीएस्ट होगा और क्या लाइटेस्ट होगा, ऑब्वियसली चेयर, चेयर भी देख रहे हो कि आप वो आयरन वाली, रॉट आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन की चेयर है ये, ठीक है। तो आयरन की चेयर है तो दिस चेयर वुड बी द हैवीएस्ट, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो अगर प्लास्टिक की भी चेयर होती तो आउट ऑफ दीज फोर ऑब्जेक्ट्स, चेयर है, कटिंग प्लायर है, बर्थडे कैप है, एंड कप है, इसमें अगर प्लास्टिक की चेयर होती तो वो भी हैवीएस्ट होती, एंड यहाँ पे तो दिस इज आयरन चेयर, सो चेयर इज द हैवीएस्ट। तो चेयर पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, एंड लाइटेस्ट क्या है, सबसे हल्की चीज कौन सी है, ऑब्वियसली दिस बर्थडे कैप, ये जो बर्थडे कैप है ये लाइट है, सबसे हल्की है, तो इस पे हम क्रॉस करेंगे, ठीक है।
So I hope children, this concept of heavier, lighter and heaviest, lightest is clear to you, because with this we have completed the lesson. Only activity worksheet 12 is left now, which is based on this chapter only. So I hope ये जो concept अभी हमने पढ़ा heaviest and lightest का, ये सबको समझ में आ गया. Heaviest and lightest मतलब group of objects में से हम कैसे find out कर सकते हैं कि क्या heaviest है और क्या lightest है. तो हमें यहाँ पे इसमें हमने जो भी किया, we are not measuring anything, कहीं हमने कुछ measure हम नहीं कर रहे हैं. We are just finding out by observation, देख करके हमें समझ में आ रहा है कि क्या heaviest है and क्या lightest है. So I hope children this is clear, and in case of any doubt you can always ask me in the online class. So that is all for the day children. Thank you and have a good day.